हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ ना, उसे आप देखकर झूम उठेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़ने का अपडेट है और आप लोग धक्के खाते रहते हैं मोबाइल नंबर जोड़ना है। बहुत सारे आपको परेशानियाँ आती हैं, कभी सेंटर जाना पड़ता है, आधार सेंटर जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सारी आज के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल परेशानियाँ सॉल्व हो जाएगी। चलिए वीडियो को एकदम आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। हाय एवरीवन, मैं हूं सनी प्रजापति और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर अगर लिंक भी है तो वो मोबाइल नंबर खो चुका है और आप दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो कैसे अपडेट कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी इंडिया पोस्ट की तरफ से जो है एक पोर्टल खुल चुका है जिसे आप घर बैठे ही आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवाने के लिए। तो चलिए, ये सब प्रोसेस कैसे कर सकते हैं मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वैसे आप कंप्यूटर पे आने के बाद, कोई भी वेब ब्राउजर में आने के बाद, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट खोल के आ जाएगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको सारी सुविधाएँ मिलेगी जो कि मोबाइल नंबर आप चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट पर IPPBP कस्टमर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे आधार मोबाइल अपडेट के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ से आप ऊपर में जब क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड की आपको डिटेल भरनी है, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर जो भी है आपका टाइटल में, देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है जो कि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर ऐड करवाना चाहते हैं, लिंक करवाना चाहते हैं। अगर आप ईमेल आईडी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज को जरूरी नहीं। यहाँ पे एड्रेस, फर्स्ट सेकेंड एंड पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने आप पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट जो आएगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कि बहुत सा पोस्ट ऑफिस अभी नहीं डाला गया है, लेकिन अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका पोस्ट ऑफिस आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपका सब डिवीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिवीजन, रिलीजन और ये सब स्टेट। सर्कल डालने के बाद आप स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है अपडेट मोबाइल नंबर इन आधार। तो देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ इन आधार कार्ड। देन उसके बाद यहाँ पे आपको टिक बॉक्स में क्लिक करने के बाद 1244 कैप्चा को डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सामने जो इंटरफेस आएगा उसको आप, अगर कुछ नंबर रहेगा तो उसको आप PDF में सेव करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आपके घर पे एड्रेस पे एक पोस्टमैन आएगा, उसके बाद आपको कुछ डिवाइस लेकर वो आएंगे और आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा। अपडेट करने के मोबाइल नंबर का कुछ चार्जेस भी होते हैं, 50 रुपया आपको वो लेंगे। तो इसी तरीके से घर बैठे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या अपडेट करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर कैसे चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आधार इनरोलमेंट के लिए, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप इनरोलमेंट भी जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। उसी तरीके के माध्यम से आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आपको वो डालना होगा। लेकिन याद रहे, अगर आपको पिन कोड डालने के बाद आपका पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा है तो आप कुछ दिन या फिर कुछ महीने वेट कर लीजिए। ये पर डे जो है एक लॉन्च किया जा रहा है सभी ग्रामीण क्षेत्रों को। अभी हो सकता है कि अभी आप लोग का पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा है, लेकिन जो एरिया डेवलपमेंट हो चुका है उसका आ रहा है, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। आप लोग वेट कर लीजिए, धीरे धीरे ये सब पोस्ट ऑफिस को जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।